बॉलीवुड और टीवी शोज की न्यूज चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। अगर किसी वजह से आपने बिग बॉस का आज का एपिसोड मिस कर दिया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं बिग बॉस 12 के आज के एपिसोड की कुछ खास झलकियां। तो दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत हुई थी एक स्पेशल टास्क से, जो बीबी रेडियो टास्क के बाद भी हुआ घर की लड़कियों के बीच में, और टास्क का नाम था मेमली न्यूयॉर्क क्रीमी मैट। और इस टास्क में इन लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा लिपस्टिक्स ओपन करनी थी और ज्यादा से ज्यादा एक टी शर्ट पर किसेस करनी थी, और इस टास्क में तीनों लड़कियों ने जी जान लगा दी। लेकिन फाइनली ये टास्क जीतती है सुधी राणा और उन्हें मेमली की तरफ से मिलता है एक मेकअप किट। इसके बाद डे 96 की शुरुआत होती है एक एनर्जेटिक गाने के साथ, जहाँ पर ये घर वाले डांस करते हुए नजर आते हैं। और इसके साथ ही बिग बॉस घर वालों को ये बताते हैं कि अब वक्त आ गया है काल कोठरी की सजा के पात्रों का चुनाव करने के लिए। और यहाँ पर बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट मनु पंजाबी और प्रीतम सिंह आते हैं, जहाँ पर ये दोनों ही आखिरी फैसला लेंगे कि किन्हें होगी जेल की सजा। तो यहाँ पर ये घर वालों से कुछ सवाल पूछते हैं, उन्हीं सवालों में से एक सवाल ये पूछते हैं कि आपके हिसाब से घर में सबसे ज्यादा इरिटेटिंग कौन है। यहाँ पर दीपिका कक्कर नाम लेती है रोमिल चौधरी का और कहती है कि ये सबसे ज्यादा इरिटेटिंग है और अनोइंग है, बल्कि रोमिल चौधरी नाम लेते हैं दीपक ठाकुर का। ये कहते हैं कि इनके हिसाब से ये जो कुछ करते वो सही होता है, लेकिन वास्तविकता में वो बहुत ज्यादा गलत और इरिटेटिंग होता है। लेकिन यहाँ पर दीपक और रोमिल की सहमति नहीं होती है और यहाँ पर एक आर्गुमेंट की स्थिति बन जाती है, और फाइनली स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि दीपक ये कहते हैं कि आपको लगता है ना कि मैं इरिटेटिंग हूँ, आप चाहते मैं जेल जाऊँ तो ठीक है मैं जेल जा रहा हूँ, आपके हिसाब से मैं इरिटेटिंग हूँ ना, तो यहाँ से निकलने के बाद मैं नॉन इरिटेटिंग पर्सन बन के जाऊंगा। इसके बाद वो एक सवाल ये पूछते हैं कि आपके हिसाब से घर में सबसे ज्यादा बुरा बिहेवियर किसका है। तो यहाँ पर सभी घर वाले नाम लेते हैं सुरभी राणा का, और सुरभी राणा नाम लेती है श्रीशांत का। सुरभी राणा कहती है कि श्रीशांत बहुत ज्यादा गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते हैं, ये गलत है, इसलिए उनके हिसाब से सबसे गलत व्यवहार उनका है। दीपिका कक्कर कहती है कि आपका बिहेवियर सबसे ज्यादा गलत है, आप उनके परिवार पे जाते हैं, उनके केस पे जाते हैं, उनके खेल पे जाते हैं, ये बेहद गलत है, और सभी घर वाले उनका। इस दौरान सुरभी राणा दीपिका कक्कर को चुप करवाने के लिए ये कहती है, आई एम द कैप्टन, यू हैव टू लिसन टू मी। और यहाँ पर दीपिका कहती है फिलहाल ये टास्क चल रहा है और आप यहाँ पर कैप्टन ना हो तो बेटर होगा। और इस दौरान इन दोनों के बीच में झगड़े की स्थिति हो जाती है और झगड़ा वो भी ज्यादा है। यहाँ पर सुरभी राणा अपने पॉइंट को प्रूव करने की कोशिश करती है, तो मनु पंजाबी ये कहते हैं कि सुरभी राणा कहीं आप चाणक्य के परिवार से तो नहीं आती है। और इसके बाद वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि सुरभी राणा का बिहेवियर सबसे ज्यादा रूड है। इसके बाद वो दोनों एक और सवाल करते हैं कि आपके हिसाब से इस घर में दो मुहा कौन है, यानी कि डबल फेस पर्सन। यहाँ पर केवी और सोमी नाम लेते हैं रोमिल चौधरी का, लेकिन रोमिल चौधरी इस बात से इनकार करते हैं। और फिर बारी आती है सुरभी राणा की, तो वो ये कहती है कि मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट दे जाते हैं जो डबल स्टैंडर्ड होते हैं। और केवी इस बात से असहमति जताते हुए नजर आते हैं। श्रीशांत यही कहते हैं कि एक चेप टाइप पर्सन है और इसलिए ये डबल फेस्ड हुए। और इसी तरह से सभी घर वाले यहाँ पर केवी का नाम लेते हुए नजर आते हैं, और केवी यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर मेरा अच्छा बिहेवियर आपको ये लगता है कि मैं डबल फेस्ड हूँ, सो आई विल नॉट एक्सेप्ट दैट। और मनु और प्रीतम ये फैसला लेते हैं कि करणवीर को जेल जाना चाहिए, लेकिन करणवीर साफ तौर पर इनकार कर देते हैं कि मैं जेल नहीं जाऊंगा, ये सारे एलिगेशन गलत है और मैंने ऐसा नहीं करूंगा और ना ही जेल जाऊंगा, और वो वहाँ से गुस्सा होकर चले जाते हैं। के बाद उन्हें मनाया जाता है एंड फाइनली दीपक ठाकुर, करणवीर बोहरा और सुरभी राणा कालकोठी में चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी बिग बॉस सीजन 12 में सभी कंटेस्टेंट्स के बिग बॉस हाउस में बिताए गए डे 96 की हाइलाइट्स। और अगर आप इसी तरह से बिग बॉस के हर दिन और हर एपिसोड की हाइलाइट्स के बारे में सबसे पहले जानना चाहते हैं तो बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आपको बिग बॉस 12 से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले यहीं मिलेगी। और अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।